हाय गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं इस वक्त एक जिम के अंदर खड़ा हूँ। इस जिम का नाम है मैक्स जिम, जो कि महिंद्रा पार्क में है, जहांगीरपुरी के नज़दीक में है, दिल्ली में। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सुशील सैनी जी से, जिन्होंने 2006 में मैक्स जिम की शुरुआत की थी। 2014 में मिस्टर एशिया बेंच प्रेस रह चुके हैं और बहुत सारे टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ जैसे इंडियाज़ गोट टैलेंट और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, ऐसे बड़े बड़े टीवी शोज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैक्स जिम के स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो बिना किस देरी के मैं आपको मिस्टर सुशील जी से मिलाता हूँ। लेट्स विजिट एंड टॉक। तो गाइस, मिस्टर सुशील सैनी जी आपके सामने हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे सर आप? एकदम फाइन सर। आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और सॉरी अगर मेरे इंट्रोडक्शन में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि आपके बारे में, इनके बारे में बहुत कुछ है कहने को, तो अब सर ही बताएंगे। बताइए सर। हेलो गाइस, मेरा नाम सुशील सैनी है। मैं इस मिस्टर एशिया रह चुका हूँ 2014 में इन बेंच प्रेस और फ्रीक फाइटर रेसलर। मेरी अपनी 16 ब्रांचें हैं दिल्ली में मैक्स जिम के नाम से। सर क्या आप कुछ ब्रांचेस बता सकते हैं, कहाँ कहाँ पे है दिल्ली में? दिल्ली में मैंने शुरुआत जो अपने जिम की करी थी, ये मैंने करी थी अपनी महिंद्रा पार्क नियर बाय जहांगीरपुरी। उसके बाद मैंने फिर ब्रांच खोली आदर्श नगर। फिर उसके बाद नियर बाय मैं मेरे स्टूडेंट जैसे जैसे प्रिपेयर करके आगे बढ़ते रहे, उनकी मैंने ब्रांच स्टार्टिंग करा दिए ओपन। एक मैंने बलसवा डेयरी में है, रानी बाग में है, और रोहिणी में है, काफ़ी सारी है, ये बताऊंगा तो टाइम इसमें बहुत लग जाएगा। ठीक है गाइस, जो ब्रांचेज है ना, उन सब के जो एड्रेसेस है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो किसी को मैक्स जिम ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। सर आज के टाइम में जो चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, अब तो धीरे धीरे भगवान की दया से थोड़ा कम हो रहा है, फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए? देखो, फिटनेस आजकल सबके लिए ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हमारा वातावरण पहले जैसा नहीं है जैसे हमारा वातावरण रहता था। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और खाना पीना भी ऐसा कोई ठीक नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी जैसे हम अब सब बच्चों को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कम से कम व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा सिर्फ। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल बंदा हो या कोई जिम करता हो या कोई पावर लिफ्टर हो वही जिम करेगा। जिम कोई भी कर सकता है, पैदा हुए बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक। और मैं जैसे अभी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी बोलता हूँ कि अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आधा घंटा या दिन में मतलब एक घंटा आधा घंटा जिम के लिए निकाले ज़रूर, फिटनेस को बनाए रखने के लिए। सर एक क्वेश्चन है, एक लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स और प्रोटीन्स लेना सेहत को ख़राब करता है, तो वो मिथ क्या है, एक बार आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि सप्लीमेंट प्रोटीन्स का क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में एंड बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में? देखो, सप्लीमेंट्री जो है वो काफ़ी तरीके से होती है, इसमें नेचुरल भी होता है। नेचुरल जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, मल्टी विटामिंस हैं और कैल्शियम है, ये भी एक सप्लीमेंट के तौर से ही लेते हैं जिम के बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अगर आप प्रोफेशनली अगर आप कोई गेम कर रहे हैं तो आप अगर उसमें जाते हैं, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, तो उसमें नेचुरल कैटेगरी एक अलग होती है और जो विथ सप्लीमेंट वाली होती है वो एक कैटेगरी अलग होती है।
अगर आपको इसमें अगर डिफरेंस जानना हो तो इसमें सिंपल है बिल्कुल। अब कुछ लोग हैं बॉडी बिल्डिंग में, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे लेवल पे हैं जिनको मतलब सप्लीमेंट्री की ज़रूरत पड़ती ही है, और कुछ जो बिगिनर्स हैं आजकल वो भी सप्लीमेंट्री के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें पहले खुद अपनी फोर्स अपने अंदर से जो पूरा ताकत लगानी चाहिए जिम करने के लिए और वर्कआउट करना चाहिए, उसके बाद देन प्रोटीन वगैरह कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जिमों में क्या हो गया, ये बहुत जिम में जाते हैं लड़के और बोलते हैं कि मुझे बॉडी बनानी है सर, मुझे कोई सप्लीमेंट दो। लेकिन पहले जब हम हमारे टाइम में करते थे तो हमारे पास सप्लीमेंट के भी पैसे नहीं होते थे, हम लोग दूध, केले, एग्स, चिकन, ये घर की जो डाइट होती थी, घी, मक्खन, हम यही खाते थे। मैं एक पावर लिफ्टर प्रोफेशनल तो हूँ, मैंने कभी आज तक सप्लीमेंट पहले नहीं लिया था। मैंने सप्लीमेंट लिया था, मैं बोल रहा हूँ मैंने सप्लीमेंट लिया है, लेकिन अभी कुछ टाइम पे जब एक लेवल मैंने अचीव कर लिया, मैं मिस्टर एशिया बना, तब भी मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं डाला था अपनी बॉडी में। लाइक सब कुछ नेचुरली था। हाँ, जो भी मैंने किया सब कुछ नेचुरली किया, क्योंकि आगे जब आपका लेवल बढ़ जाता है गेम में तो थोड़ी सिकनेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि डोप टेस्ट होता है, एक डोप टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका यूरिन सैंपल लेते हैं और उस सैंपल में चेक करते हैं कि आपने ड्रग्स ली हुई है या नहीं ली हुई है। जो आजकल देखा होगा आपने, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनके भी सब डोप टेस्ट होते हैं, ऐसे ही सभी जो अच्छे लेवल पे प्लेयर होते हैं उनके सब डोप टेस्ट होते हैं, इसलिए वहाँ बड़ा सेफ चलना होता है। आप कोई छोटी सी भी अगर कोई सर दर्द की भी मेडिसिन खाते हैं तो भी आपको अपने कोच से पूछना पड़ता है खाने के लिए। ओके सर, आपसे एक सवाल, अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है उसने अभी जिम कभी ज्वाइन नहीं करी है और वो अब चाह रही है, मतलब थोड़ा फिटनेस में आना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, वो कैसे शुरुआत करें और किस टाइप की जिम को ज्वाइन करें, कैसा ट्रेनर हो उनका? जो आजकल बिगिनर्स हैं जिम में जाते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अच्छा जिम ज्वाइन करें जहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हों और कोच अच्छा नॉलेजेबल हो, जिसको हर तरीके से की नॉलेज हो, जिसने कोई अपने स्टूडेंट भी प्रिपेयर करे हो, खुद भी प्रिपेयर के प्रिपरेशन की हो, सर्टिफिकेशन हो उसके पास, और उसी हिसाब से अपना जिम ज्वाइन करें। और आप खुद लोग समझदार हैं, आपको भी पता होता है कि मतलब हमें किससे कैसे बात करनी है, जिम में क्या करना है। आपका कोच कुछ भी बोलता है, अब क्या होता है, एक नया बच्चा होता है वो एक कोरे पन्ने की तरह होता है जी। जिम में खूब सारे ट्रेनर मिलेंगे आपको, वो सब अपनी अपनी नॉलेज देते हैं, और तकरीबन मैंने देखा है जितने भी ट्रेनर होंगे सबका पैटर्न अलग अलग होता है वर्कआउट कराने का। तो अब और आजकल तो कुछ ऐसा जिम में बिजनेस बन गया है, लोग बोलते हैं कि बेटा तू जिम आया है, चल आज तो तेरा जिम चालू हो गया तो कल से तू प्रोटीन भी चालू कर दे, लेकिन ये गलत है। कम से कम पहले अपना एफर्ट लगाना चाहिए बंदे को, डाइट लेनी चाहिए नेचुरल जितना हो सके, जब उसे लगता है कि हाँ मैं ऐसे नहीं हो पा रहा, तब देन उसके बाद उसे कुछ जाके आगे सोचना चाहिए। जिम जाते ही कि ये नहीं कि प्रोटीन ले लो, सामान खा लो, सप्लीमेंट ले लो, ऐसे बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनने के लिए मेहनत लगानी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं इसने डब्बा खा के बॉडी बनाई है, किसी भी तगड़े लड़के को बोल देंगे, अभी ये जलन से बोलते हैं या कैसे ही बोलते हैं, बोल देंगे इसने तो डब्बा खा के बॉडी बनाई है। अरे भाई, डब्बा तो सभी खाते हैं, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। मेहनत प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जी सर। ओके सर, आपसे एक सवाल, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक आपको कुछ स्टूडेंट्स से बहुत गर्व होगा, तो क्या आप एक बार अपने उन स्टूडेंट्स का नाम, उन बच्चों का नाम बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि उन्होंने लाइफ में क्या अचीव करा है आपके साथ सीख के, और बताइए सर थोड़ा। देखो, मैं किसी एक बच्चे का तो नाम लूँगा नहीं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा बहुत नाम रोशन किया है। मैंने अपना नेशनल टीवी पे मैंने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ किए हैं, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, और जी तेलुगु पे, जी टीवी पे, और रोडीज़, एमटीवी रोडीज़, सब मेरे बच्चों ने मेरा बहुत नाम रोशन किया है, और इंटरनेशनल स्टेज तक मैंने अपने जिम से अपने जो स्टूडेंट हैं वो खिलाए हैं, और अब भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं। अब भी मेरे जिम से कम 20 से 25 लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए, और 10-15 लड़के वो भी हैं जो पावर लिफ्टिंग में जाना चाहते हैं, पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास बड़ी दूर दूर से लड़के आते हैं सिर्फ इसलिए कि भैया अच्छी नॉलेज देते हैं और प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। मैं सन 2006 से मैं अपना जिम रन कर रहा हूँ, और कम से कम मैंने यहाँ से हर साल में 6 से 7 लड़के मतलब प्रोफेशनली तैयार कर देता हूँ अपने पास से।
सर किस किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं अपने जिम में, लाइक जिम लाइन में, लाइक मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया, ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं? देखो जिम में कॉम्पिटिशन जो होते हैं जिम में नहीं होते, वो एरिया वाइज होते हैं। जैसे मिस्टर दिल्ली हो गया फर्स्ट, जब आप जैसे अगर आप अभी आप बिगिनर हो, आपने स्टार्ट किया जिम में, आपको मैं अगर कॉम्पिटिशन खिलाऊँगा तो आपको खिलाऊँगा पहले मिस्टर दिल्ली, फिर उसके बाद मिस्टर नॉर्थ इंडिया, फिर मिस्टर इंडिया, फिर मिस्टर एशिया, फिर मिस्टर वर्ल्ड, फिर इस तरीके से प्रिपरेशन होती है कॉम्पिटिशन की। आपको क्वालिफाई करके जाना होता है, लाइक क्वालिफाई करते करते, हाँ क्वालिफाई करते जाओ और नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते जाओ। ठीक है, तो सर अगर कोई अभी इस वीडियो को देख के कोई आपसे इंस्पायर हो रहा हो और लाइक मन बना लिया हो कहीं ना कहीं कि वो भी एक बार मिस्टर दिल्ली बने, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, तो कितना टाइम लग सकता है एक बच्चे को उस लेवल तक पहुँचने में, उस स्टूडेंट को वो लेवल अचीव करने में? देखो ये तो मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकता कि आपको के इतना टाइम पर्टिकुलर टाइम की किसी के मैं बता दूं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है, सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी की बायोग्राफी भगवान ने अलग बनाई है। किसी को किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो वो डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है बेसिकली आपकी डाइट के ऊपर कि आपकी डाइट कैसी है। आपकी जितनी अच्छी डाइट होगी आप उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सर जिम जो हम करते हैं उसमें दो चीज़ें मेन होती है, हमारी डाइट और हमारा वर्कआउट, तो लाइक दोनों चीज़ों को किस तरीके से हमको बैलेंस करना होता है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है? देखो सबका अपना अपना महत्व है जिम के अंदर, डाइट का भी और प्लस वर्कआउट का भी, पर बेसिकली जो हमारी डाइट ही है वही हमें अप ले जाती है, वही डाउन कराती है। हमारी डाइट से ही हमारा वेट लूज़ होता है, हमारी डाइट से ही हमारा वेट गेन होता है सारा, और वर्कआउट तो हमारा एक पार्ट है ही, कम से कम 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइज मैंने बहुत सारे सवाल इनसे पूछे और सर ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और अच्छे से सभी के जवाब दिए। ठीक है, तो अब एक बार सर एड्रेस बता देंगे इस जिम का, अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो सर एक बार इस जिम का प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। अगर किसी को भी मेरे से जुड़ना हो या मेरे से मिलना हो या किसी को आगे बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, फिटनेस के बारे में पूछ रहा हूँ, फिटनेस मॉडलिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी फेसबुक आईडी ये आप बताई देंगे नीचे मेंशन हो जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन हो जाएगी, और मेरे जिम का एड्रेस है A15 संजय नगर रोड, महिंद्रा पार्क, नियर बाय आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन। आप कभी भी मेरा पूरा मेंशन नीचे हो जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो भैया से कांटेक्ट मेरा ले सकते हैं। ठीक है, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी और भी ब्रांचेस खुले मैक्स जिम के नाम से, और मैं खुद एक्टिंग प्रोफेशन में हूँ तो वर्कआउट करूँगा कल को, तो मैं आपसे ही आपके अंडर में सीखूँगा। तो थैंक यू सर अपना कीमती समय मेरे चैनल पे देने के लिए और मेरे व्यूअर्स से मिलने के लिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप एक बार उनको भी देखना। तो सर एक बार आप प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो वीडियो पे पहली बार मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आप उनको एक बार बोल दीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। देखो भाई आजकल YouTube का ज़माना है और YouTube से ही कमाना है, YouTube से ही YouTube में ही जाना है, तो मैं सबसे बोलूँगा जो मुझे भी देख रहे हैं, जो भाई को भी देख रहे हैं, जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, जो भैया के भी हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन है वो दबाइए। थैंक यू, मेरा भी और इनका भी। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू गाइस, बाय। ओके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लाइक कर देना। ठीक है, बाय।